हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल टू का कंटिन्यू करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि पिछले वीडियो में बोले थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार और ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मॉड्यूल टू में हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जिससे हम कैलकुलेशन, जैसा कि एग्जाम्पल लिए थे हम पिछले वीडियो में, कैसे एक्स प्लस वाई, तो ये मेरा क्या हुआ, ऑपरेटर। ठीक है, और ये दोनों मेरा क्या हुआ, ये मेरा दोनों हो गया ऑपरेंड। स्पेलिंग दीजिएगा, ऑपरेंड। ठीक है, तो यह ऑपरेंड क्या होता है मेरा, जिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से कुछ ऐसा समझ रहा है, अर्थमेटिकल टाइप होगा, प्लस होगा, गुना होगा, जोड़ होगा, भाग होगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, अर्थमेटिक जैसा कि नाम से ही क्लियर होने वाला है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसमें कैलकुलेशन होगा, जोड़ घटाओ गुना भाग जो होगा सब इसी में होगा। ठीक है, तो आते हैं डिस्कस करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में डिफिनेशन लिखा गया है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ लेते हैं। एन अर्थमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इटिस। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैलकुलेशन करता है। ऐसा था नहीं एक्स प्लस वाई दे देंगे तो वो ऐसे ही एक्स प्लस वाई को जोड़ देगा, नहीं ना, एक्स प्लस वाई देंगे लेकिन उसके जगह पर हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एक्स प्लस वाई दिए तो ये थोड़ी एक्स प्लस वाई को जोड़ेगा, एक्स के जगह पर हम कोई वैल्यू देंगे, वाई के जगह पर कोई वैल्यू देंगे, तब ना वो जोड़ेगा। ऐसे तो नहीं एक्स प्लस वाई को, ये इलॉजिकल लग रहा है। तो ये मेरा कौन सी काम करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पर काम करेगा, जो कि कॉन्स्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में, समझ गए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जोड़ घटाओ गुणा भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर होता है, जैसे कि ऑपरेटर का डिस्कस किए थे, प्लस माइनस गुणा भाग जो होता है ऑपरेटर होता है। तो इसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ऑपरेटर लिखे हैं, उसका मीनिंग लिखे हैं। जैसे कि प्लस क्या होता है, एडिशन के लिए प्रयोग होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, ये स्टार वाला जो है आपके कीबोर्ड में तो ऐसा वाला चिन्ह होगा, नहीं ना ऐसा वाला चिन्ह तो होगा ना, ये एक्स है, गुना वाला तो चिन्ह है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे स्टार को गुना के जैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के और डिवाइड के लिए ये वाला करेंगे, और मॉड्यूलो, यहाँ पे एक टर्म नया है मॉड्यूलो। ठीक है, तो मॉड्यूलो के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ समझ लीजिए ऑपरेटर क्या है, प्लस तब एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्ट्रिक वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये जो स्लैश होता है ये डिवीजन के लिए, और ये परसेंटेज वाला साइन हो ये मेरा मॉड्यूलो के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। ठीक है, तब यहाँ पे एक चीज़ नया है आपके लिए, ये मॉड्यूलो एक चीज़ आपके लिए नया है, क्या है, मॉड्यूलो। ये सब के बाद चीज़ आपको पता ही होगा, जोड़ घटा गुणा भाग, यहाँ पे एक चीज़ नया है मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ये हमारा परसेंटेज वाला साइन, इसको मॉड्यूलो बनेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर वर्क्स ओनली विथ इंटीजर, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, ये सिर्फ हमारा इंटीजर के लिए काम करता है, सिर्फ इंटीजर पर ही मॉड्यूलो काम करेगा। तो मॉड्यूलो काम तो करता है लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, जैसे जोड़ करेंगे तो ये हमारा एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन माइनस वाला करेगा, ये गुना वाला करेंगे तो गुना करेगा, ये भाग करके रिटर्न करेगा भागफल, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये मेरा करेगा रिमाइंडर करने का काम करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, रिमाइंडर करने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दिए 5 मॉड्यूलो 2, जब 5 से 2 में आप मान लीजिए 2 में भाग दीजिएगा 5 से, तो क्या होगा, 2 मरता में 4 मेरा 1 बच गया, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा रिटर्न, मतलब ये मेरा रिमाइंडर करने का, रिटर्न करने का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हम 10 लिए, मॉड्यूलो कर रहे हैं 3 से, तो क्या होगा, 3 से हम भाग लगाएंगे 10 में, तो क्या रिटर्न आएगा मेरा, रिमाइंडर। यहाँ पे पॉइंट में नहीं करना है, जो पॉइंट में गुना का काट देंगे वो नहीं, बस लगाइए 9 होगा 1 आएगा, यहाँ पे रिटर्न इसका क्या करेगा, वैल्यू 1 करेगा रिटर्न, इसका वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो मॉड्यूलो के बारे में क्या समझे, ये मेरा सिर्फ इंटीजर पर ही लगेगा और ये हमारा रिमाइंडर करने का काम करता है, रिमाइंडर रिटर्न करने का काम करता है। मॉड्यूलो के बारे में इतना क्लियर हुआ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम लेते हैं और उस पर हम ड्राई रन इसको करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ड्राई रन क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम को हम एक आउटपुट लेते हैं, सॉरी एक नंबर लेते हैं, और उससे हम अपना प्रोग्राम को देखते हैं हमारा कैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड लगाते हैं। ठीक है, तो हैशटैग इंक्लूड लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे इंट मेन
ये कर ली ब्रैसेस, उसके बाद क्या करने वाले हम दो नंबर ले लेते हैं। आप स्कैनर पर आकर इंटर नंबर कर दिएगा ना, मतलब यूजर से नंबर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम बस एग्जांपल लेना है, इसलिए हम यहाँ पे इंट एक्स बराबर 5 ले लेते हैं और वाई बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो इंटीजर ले लिए, एक्स और वाई ले लिए हैं, और क्या करना है हमें परफॉर्म करने वाले हैं। पहले एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो एडिशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, मान लीजिए हम एक ले रहे हैं इंट ADD, एडिशन के लिए एक इंट ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे होंगे, ऐसे छोड़िए हम बस अच्छा से बताते हैं, अच्छा से मतलब डायरेक्ट लगेगा। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना है, एडिशन करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे एड एड डबल कोट के अंदर में हम जो लिखते हैं वो प्रिंट होता है वैसे ही, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस को छोड़ कर ही है, ठीक है। तो ये वैसे ही प्रिंट होगा, यहाँ पे इक्वल टू भी वैसे ही प्रिंट होगा, यहाँ पे परसेंट डी दिए, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम जो कॉमा लगा कर वैल्यू देंगे उसका वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिए, यहाँ पे बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में अगला लाइन वाला प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे क्या करना है, ऐड करने वाले हैं, किसको ऐड करने वाले हैं, एक्स और वाई को। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई डबल कोट सेमी कॉलन 1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मेरा एक्स पर वाई का जो वैल्यू होगा वो मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगला लाइन में लिखते हैं प्रिंट एफ, या फिर एक अच्छा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, या फिर एक ही में कर देते हैं ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वैसे ही सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर क्या करेंगे परसेंट डी बैक स्लैश एन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ क्या कर देंगे एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्लियर हुआ x माइनस वाई। अब अगला क्या है, गुना करना है, तो यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे परसेंट डी बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा इसका आंसर आएगा उसके बाद हमारा अगला लाइन में आएगा, नहीं तो सारा एक ही लाइन में आएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बैक स्लैश एन लगा रहे हैं और कोई टोप टीच कर नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे एक्स इंटू वाई, क्लियर हुआ। अब अगला लाइन में क्या करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे कर देंगे डी आई वी डिवीजन इक्वल टू परसेंट डी बैक स्लैश एन। यहाँ पे फिर से हम आएंगे प्रोग्राम लिखने के बाद, उसके बाद बताएंगे यहाँ पे एक चीज़ और क्या हो सकता है ताकि प्रोग्राम अच्छा से हो जाए। अब यहाँ पे ये गुना डिवीजन वाला हो गया, उसके बाद क्या बच गया मॉड्यूलो, तो यहाँ पे और क्या करेंगे प्रिंट एफ परसेंट, यहाँ पे कर देंगे मॉड्यूलो इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि ये मेरा इंटीजर पर काम करता है तो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स मॉड्यूलो वाई, उसके बाद क्या करेंगे रिटर्न 0, उसके बाद सेमीकोलन बंद। तो ये मेरा हो गया प्रोग्राम अर्थमेटिकल ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। तो इसका हम ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन इस कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा करने वाले हैं इसका ड्राई रन। यहाँ पे देखिएगा x बराबर हम लिए 5, x का डब्बा एक बनेगा x नाम का और y नाम का एक डब्बा बनेगा, ठीक है। इसमें 5 आ गया, इसमें 3 आ गया। अगला लाइन में गया, अगला लाइन में देखेगा क्या है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ फिर डबल कोट के अंदर में जो रहता है वो प्रिंट कर देता है, तो वैसे हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ADD इक्वल टू, यहाँ तक वैसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आया फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरा प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या प्रिंट होगा, वहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा, यहाँ इसका जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा ना वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एक्स और वाई है, तो एक्स का क्या वैल्यू है 5 और वाई का क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा दोनों का ऐड करके 8 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। उसके बाद आया बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन आया मतलब यहाँ पे यहाँ से कर्सर मेरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, बैक स्लैश एन का मतलब लाइन चेंज, यहाँ पे यहाँ से कर्सर उठ कर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ चलेगा, यहाँ पे देखेगा सब्ट्रैक्ट, फिर डबल कोट के अंदर में जो रहेगा वो प्रिंट होगा सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, अब फिर यहाँ पे परसेंट डी के जगह पर ये वाला प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई 5 - 3, मतलब यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर बैक स्लैश एन देखेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे एम यू एल, यहाँ पे परसेंट डी के जगह पर ये वाला कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंट 5 × 15, फिर यहाँ पे बैक स्लैश एन देखेगा, फिर नया लाइन में आएगा, फिर यहाँ पे डी आई वी देखेगा DIV, यहाँ जैसे यहाँ पे मान लीजिए परसेंट डी है, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट करें, जैसे कि मान लीजिए एक्स क्या है मेरा 5 डिवाइड बाई 3, तो यह क्या रिटर्न करेगा मेरा एक मरतब में लगेगा, जैसे यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए 5 एक मरतब में लगेगा 3 यहाँ पे 2, अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर हो गया 2, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट में नहीं जाएगा, यह मेरा रिटर्न करेगा क्या 1, यहाँ पे आप कहिएगा ये तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ, वो उस पर चलेंगे उस पॉइंट पर भी चलेंगे, लेकिन पहले हम प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर बैक स्लैश एन देखेगा नया लाइन में, यहाँ पे मोड में आएगा मोड इक्वल टू, यहाँ पे परसेंट डी के जगह पे क्या होगा इसका कैलकुलेट, ये क्या कैलकुलेट करके रिटर्न करता है मॉड्यूलो मेरा रिटर्न क्या करता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 2, तो यहाँ पे
टू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न जीरो प्रोग्राम मेरा खत्म है। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ये प्रोग्राम का कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, आप रन करा के देखिएगा तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत कुछ ऐसा दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन तक कुछ दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा डिवीजन करके, ये क्या इंटीजर में क्यों आ रहा है, इंटीजर में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीजर बाई इंटीजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटीजर बाई इंटीजर इंटीजर ही डिवीजन करेगा ना, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रहा है, उसको ही हम परसेंटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए परसेंटी में यहाँ पे एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, इंटीजर बाई इंटीजर मेरा इंटीजर रिटर्न करता है और यहाँ पे इंटीजर प्रिंट करा रहा है, इसलिए वन प्रिंट है। तो इसका सोलूशन क्या है, इसका सोलूशन कुछ ऐसा है, कैसा है इसका सोलूशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसका सोलूशन बता रहे हैं, ठीक है। इसका सोलूशन कुछ ऐसा है, इसको रहने देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इसका सोलूशन कुछ ऐसा है, क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देते हैं ताकि ज़्यादा हाईलाइट हो। यहाँ पे इसका सोलूशन क्या है, प्रिंट एफ यहाँ पे डी आई वी इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे हम परसेंट एफ करेंगे, ठीक है। परसेंट एफ मतलब हमारा क्या आएगा, फ्लोटिंग में आएगा, फ्लोटिंग मतलब दशमलव में आएगा, ठीक है। उसके बाद डबल कोट बंद यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप करेंगे एक्स बाई वाई करिएगा, तो एक्स वाला वाई एक्स बाई वाई करिएगा तो क्या होगा, मेरा ये क्या है इंटीजर है, ये भी क्या है इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर क्या रिटर्न करता है इंटीजर। तो यहाँ पे आप इंटीजर में दे रहे हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग में प्रिंट कर रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है, यहाँ पे करिएगा ना तो आपको जीरो जीरो आएगा, चाहे कुछ और आ जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा आंसर सही नहीं आएगा, यहाँ से हमारा आंसर जीरो जीरो आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप ऐसे करिएगा तो यह हमारा करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तब इसका सोल्यूशन क्या है, जैसा कि हम आपको टाइप कास्टिंग बताए थे, टाइप कास्टिंग क्या करता है, छोटे से डाटा टाइप से बड़ा डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा से छोटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं, टाइप कास्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग कुछ ऐसा करेंगे, वो मेरा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन था, लेकिन एक्सप्लिसिट में जैसे हम प्रोग्रामर अभी कर रहे हैं टाइप कास्टिंग, ये में कुछ से कुछ हो जाएगा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो छोटा से बड़ा से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग करने वाले हैं, टाइप कास्टिंग कुछ ऐसे करते हैं, टाइप कास्टिंग कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बताए थे आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, उसमें बड़ा से छोटा छोटा से बड़ा वाला रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हमको करना है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो कैसे एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, मान लीजिए जो डाटा टाइप को हमको करना है टाइप कास्टिंग, उसको करेंगे हम क्या, ब्रैकेट में वो लिख देंगे जिसमें करना है वो लिख के, यहाँ पे मान लीजिए हमको एक्स में करना है ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्लू पेन से लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने वाले केस में फ्लोट में, जैसे ये वैल्यू जो है ना, ये एक वैल्यू को अगर मान लीजिए हम फ्लोट में कर देते हो क्या होता है, बड़ा जैसे मान लीजिए कुछ बड़ा झोला है एक छोटा झोला है, ठीक है। तो छोटा झोला तो बड़ा झोला में चल जा सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा झोला छोटा में नहीं जा सकता है, तो वही करेंगे हम बड़ा डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं एक्स को। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, इसका आंसर माई मेरा, अब ये क्या होगा इसका बताते हैं क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ड्राई रन करते हैं, ई लाइन को हम ड्राई रन करते हैं, तो ई लाइन को ड्राई रन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे आया मेरा कंपाइलर, यहाँ पे आया तो क्या करेगा, यहाँ पे आया तो प्रिंट कैसे करेगा, ये प्रिंट में पहले तो डी आई वी प्रिंट कर देगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या वैल्यू, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे वो वैल्यू आएगा जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, यहाँ पे कैलकुलेट हुआ एक्स, एक्स को देखा यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू मेरा 5 है, तो यहाँ पे 5.000000 कुछ ऐसा होगा, 6 0 2 4 6 0, उसके बाद डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या, 3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे देखिएगा ये दशमलव में है, ये भी, अब इसको भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी एक को लेकिन दशमलव में कर दीजिए ताकि वो टाइप कास्टिंग होके हमारा फ्लोटिंग में आंसर आए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप इसको डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, दशमलव में है तो दशमलव में डिवाइड होगा, अब यहाँ पे कर दीजिए 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दशमलव 0 तो यहाँ पे 6 18, मतलब 6 6 6 6 अब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 6 आएगा 6 बार, क्योंकि मेरा फ्लोट जो होता है वो मेरा 6 2 3 4 6 6 दशमलव के बाद 6 अंक तक जाता है मेरा फ्लोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट कुछ ऐसा होगा, ये तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे परसेंट डी कर देते हैं, यहाँ पे परसेंट एफ नहीं करके परसेंट डी करते, तो परसेंट डी करते तो क्या होता, फिर मेरा आंसर 1 आता, ये दशमलव के बाद जितना था उस सबको हटा के मेरा इंटीजर लेता है, तो यहाँ पे 1 आता, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं परसेंट एफ में कर रहे हैं, तो मेरा जो फ्लोटिंग वैल्यू है वहाँ पे वही आ जाएगा 6 6 6 6 6 6, ठीक। तो मेरा डिवीजन अब ये आएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा था इतना जान लीजिए, अगर आपको डिवीजन करना है तो किसी एक डाटा टाइप को आपको डिवीजन में बदलना पड़ेगा, फ्लोटिंग में बदलना पड़ेगा। इसका एक सोल्यूशन और है, इसका एक सोल्यूशन क्या है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फ्लोटिंग में क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, आपको मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, जैसे क्या है मान लीजिए
प्रिंट एफ की है, डी आई वी इक्वल टू परसेंट एफ कर रहे हैं, ठीक है। हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करना है, यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए हमको इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम दशमलव 0 लिख देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसे भी करिएगा तो आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हमको वेरिएबल में करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल में करने के लिए हमको फ्लोट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक्स दशमलव 0 लिखिएगा, ये कोई लॉजिकल बात है नहीं, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप जब वेरिएबल के साथ करिएगा तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। आप एक्स के साथ करिए चाहे वाई के साथ। तो ये ओवरऑल मेरा हुआ क्या, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बातचीत, ऑपरेटर के ऊपर बातचीत हुआ, जिसमें हम कर रहे हैं पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बातचीत, ठीक है। तो अभी हम जितना भी भाषण दिए ना, ये भाषण को हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, लैपटॉप पे करके देखने वाले हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में क्यों कर रहे हैं, ताकि अच्छा लगे, एक जगह प्रोग्राम रहेगा एक जगह थ्योरी रहेगा तो सही लगेगा ना, ठीक है। ऐसे आपका जो सजेशन होगा वो बताइएगा कैसे करना चाहिए, हमको तो अभी तक यही ठीक लग रहा है, जो एक जगह हो जाएगा थ्योरी, एक तरह हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल हुआ अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बातचीत। अब अगले वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जांपल के बाद क्या करेंगे, हम कोई और ऑपरेटर के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।